शुरुआत कायम कक्षा 10 का प्रथम पाठ सूची पर्यावरणम इसका भाग को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसका हमने फर्स्ट जो पहला भाग था वो बनाया था, जिसमें हमने चार श्लोक जो पढ़े थे उनको मैंने समझाया था आप लोगों को। इसी क्रम में हम आज आगे बढ़ाते हैं इस पाठ को। देखिए पांचवा श्लोक है, हरित करुणा ललित लताना माला रमणीया। हरित मतलब हरी, तरुणा मतलब वृक्षों की, ललित मतलब आनंद से, लताना मतलब लताएं, माला मतलब माला में, रमणीया मतलब मनमोहक लग रही है। इसका अर्थ हुआ हरित वृक्षों की जो लताएं हैं वो मनमोहक और आनंद से परिपूर्ण हमें मनमोहक लग रही हैं। दूसरी पंक्ति है, कुसुमावली समीर चालिता। कुसुमावली मतलब फूलों की जो पंक्ति है, और समीर चालिता हवाओं की चलने से, सियाने वर्णिया हमें अच्छी लग रही हैं। मतलब यहाँ को कभी कहना चाहता है, जब हवा चलती है तो फूलों की जो पंक्तियाँ हैं वह हिलती हैं, हमारे मन को आनंदित करती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। नव मालिका रसालम मिलिताम रुचिरम संगमनम सुचिर। यहाँ कवि कह रहा है नव मालिका मतलब नई चमेली, रसालम मतलब आम से, मिलिता मिलती है, रुचिरम मतलब अच्छी लगती है, मन को भाती है, संगमनम और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये प्रकृति का जो मिलन है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इसी क्रम में छठवां श्लोक है, आई चले बंधु, यहाँ पर कभी कह रहा है हे बंधु आई चलो मतलब मेरे साथ चलो, खगकुल पलरव गुंजित वन प्रदेशम। यहाँ पर कभी कह रहा है कि हे बंधु हे मेरे भाई मुझे ऐसे स्थान पर ले चलो जहाँ पर पक्षियों का कलरव मुझे सुनाई दे, पक्षियों की चहचहाट मुझे सुनाई दे, और कुल कलरव समृत जनेभ्यो धृत संदेश धृत सुख संदेशम, और उनका जो कलरव है वह हमें सुख का संदेश देता है, इसलिए मुझे ऐसे स्थान पर ले चलो जहाँ पर पक्षियों की चहचहाट पक्षियों का कलरव मुझे सुनाई दे। ऐसा कभी क्यों कह रहा है, क्योंकि चाक के चिपके जालम, तीसरी लाइन है देखें हम सभी, चाक के चिपके जालम मतलब चकाचौंध में, चकाचौंध किसका, जब हम महानगर में कोई व्यक्ति रहता है तो वह महानगर की चकाचौंध से परेशान हो जाता है, ध्वनि से, उसके पर्यावरण से और प्रदूषण से इतना दुखी हो जाता है। यहाँ पर कभी कह रहा है कि चाक के चिपके जालम मतलब मुझे इस चकाचौंध से दूर ले चलो, एकांतवास में ले चलो जहाँ पर शांति हो, पक्षियों का कलरव हो, मीठा मीठा स्वर सुनाई दे रहा हो जो हमारे मन को आनंदित करे, सुख प्रदान करे। नो कुरिया जीवत जीवत रस हरणम। यहाँ पर कभी कह रहा है कि मैं ऐसे स्थान पर जीवन की कामना करता हूँ, अर्थात मैं ऐसी चीज़ की कामना नहीं करता जिसमें जीवन ना हो। तो यहाँ पर कभी संदेश देना चाहता है कि जंगल और गांव का वातावरण बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पर कभी कह रहा है कि बंधु मुझे ऐसे स्थान पर ले चलो जहाँ पर पक्षियों की चहचहाट हो, कलरव सुनाई देता हो, और जहाँ पर महानगरों का मुझे भीड़ भाड़ और ध्वनि जो है, प्रदूषण जो है, मुझे ये सब चीज़ ना मिले, इन सब चीज़ से मुझे एकांतवास में ले चलो जहाँ पर ये सब चीज़ें ना हों, और मुझे वन का वातावरण गांव का वातावरण बहुत सुंदर लग रहा है, इसलिए मैं जीवन की मंगल कामना कर रहा हूँ। इसी क्रम में सातवां श्लोक है, प्रस्तर तले लता तरु गुरमा वो भगवान तुविष्टा। यहाँ पर कवि कह रहा है प्रस्तर तले मतलब पत्थर के नीचे, लता मतलब लताएं, वृक्षों की लताएं, तरु मतलब वृक्ष और गुलमा मतलब पत्ते। तो यहाँ पर लताएं, पत्ते और वृक्ष नो भवंतु पिष्टा, वह कहाँ ना हो, वह
पत्थर के नीचे समाहित नाम अर्थात पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्यानम। ये यहाँ पर कवि कह रहा है कि पाषाणी सभ्यता जो है उसका अंत ना हो और श्यान समाविष्टा ये इसमें समाविष्ट ना हो अर्थात ये इसमें पेड़ों के नीचे जो है वह ना दबे। मानवा जीवनम कामये, यहाँ पर कवि कह रहा है कि मैं मानव जीवन की कामना करता हूँ, नो जीवन मरणम, और मैं मरण की कामना नहीं करता। अर्थात वो पाषाणी सभ्यता है जो पेड़ पौधे हैं वह जो वृक्ष हैं वह पेड़ों के नीचे ना दबे, इसलिए वह यहाँ पर कवि जीवन की कामना कर रहा है। सुचि पर्यावरणम, और यहाँ पर कवि शुद्ध वातावरण स्वच्छ पर्यावरण की यहाँ पर कामना कर रहा है। तो आज हमारा ये पाठ था जिसका नाम था सुचि पर्यावरणम, ये पूर्ण हुआ।